विरासत में आपके स्वागत बा। विरासत के प्रस्तुति होवेला मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन और आप्रवासी घाट के मिला जुला सहयोग से। आज के विरासत आधारित रही गांधी जी के प्रिय, भारत वर्ष के हर एक व्यक्ति के प्रिय और भारत मूल के हर समुदाय जो विभिन्न देश में बसर हवन जा उलोक के मनचाहा श्री राम और रामायण पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने लिखब जा विशेष रूप से मॉरिशस में, जहाँ पर हमने के पूर्वज लोग भारत से निकल के आके बसर हवन जा और हमने उलोक के वंशज आज तक रामायण के अपन जीवन में उतारी ला जा, रामायण से प्रेरणा ले ला जा, हर एगो क्षेत्र में रामायण के ओकर प्रभाव देखबा, चाहे वो व्यक्तिगत रूप में रही, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या सरकार तक रही, सब कोई राम, रामायण और रामराज्य से प्रेरणा लेके अपन जीवन जिए खोजेला मॉरिशस में। और रामायण के प्रभाव कैसे हमने के समाज पर, कैसे हिंदू जन समुदाय पर और कैसे नवा पीढ़ी पर पढ़ ले आवता, कैसे नवा पीढ़ी रामायण के चौपाई गावत हवन जा, अपन जीवन में उतारत हवन जा, इस सब पर आज के कार्यक्रम में प्रकाश डालब। मॉरिशस में हमने के पूर्वज के समय से आज तक कौन तरह से रामायण सार्थक बा, रेलेवेंट बा, आज तक कैसे रामायण के प्रभाव हमने के जीवन पर पड़ ले आल बा, कैसे हमने रामायण से प्रेरणा लेके जीवन बिताएला जा, इस विषय पर हमने संगे बात करियन डॉक्टर कीर्ति देवी रामजतन। कीर्ति जी नमस्ते। नमस्ते किरण जी। हमने के बोला कौन तरह से रामायण हमने के देश में आयल और रामायण पर ही हमने के थोड़ा जस्ती जानकारी दा, कैसे हमने के समाज रामायण से प्रेरणा लेके आज तक यहाँ तक पहुँचल बा जहाँ तक उबा। देखा, जब हमने रामायण के बात करी ले जा तो हमने के चाहे ध्यान में रखे के कि जो मूल रामायण है वो वाल्मीकि मुनि द्वारा रचल गल बा, जो संस्कृत भाषा में है और ये एगो ऐतिहासिक ग्रंथ है। रामायण शब्द पर विचार करी ले जा तो मिलेला कि ये दूगो शब्द के मेल से बनल बा, राम और अयन, जिकर शाब्दिक अर्थ है राम के जीवन यात्रा। रामायण में श्री राम के जीवन के बारे में बतावल गल बा कि कैसे वो अपन जीवन के हर एक पड़ाव पर अपन मर्यादा के पालन करते रहलन। यही खातिर उनकरा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बोली लजा। मॉरिशस में विशेष रूप से जोन रामायण के ख्याति बा, जोन रामायण प्रचलित बा, जिकर चौपाई गावल जाला, वो वास्तव में कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचल गल रामचरित मानस कहाला और वो अवधी भाषा में रचल गलबा। वाल्मीकि रामायण से प्रभावित होकर के ही तुलसीदास जी अपन ई रचना करलन। ये जो रामचरित मानस नाम है ये तीन गो शब्द के मेल से बनलबा, राम, चरित और मानस, और एकर शाब्दिक अर्थ बनेला राम के चरित्र के ऐसन वर्णन जोन मानव के मन पर ओकर हृदय पर प्रभाव छोड़ेला। Oh,
रामायण के जन चौपाई बा ओकर उच्चारण मॉरिशस में अनेक स्थान अनेक मौका पर होवेला और आजकल ई जन चौपाई बा एकर उच्चारण लयबद्ध करके संगीत के साथ सुर और ताल के साथ करे खातिर कितने संगठन काम करत हवन जा कितने मंडली स्थापित होवता त आज हमनी ऐसन ही एगो मंडली के सदस्य लोग से मिलब जा जे लोग रामायण के जौन चौपाई बा जेके उ लोग हमेशा से उच्चारित करते आल हवन जा ओके सुर और ताल में उ लोग एकर उच्चारण करे लन जा त मिलब जा लावेनिया के भक्ति रामायण मंडली के सदस्य लोग से जो लोग बहुत ही सुर और ताल के साथ गुरु के साथ बैठ के सीख के ये रामायण के उच्चारण करत हवन जा और आज मिलब जा श्रीमती शर्मिला गणपत से जे ई मंडली के एगो सदस्य हवन। शर्मिला जी नमस्ते। हमें ये बताइए कि आपके जीवन में रामायण का क्या स्थान है और रामायण जो आप हमेशा से इसका उच्चारण करती आई हैं उसको सुर और ताल में गाने से आपको कैसी अनुभूति होती है? जय श्री राम। सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्ते। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मेरा विवाह हुआ कुछ साल पहले लावेनिया गांव में, तब यहाँ पर आकर मैंने देखा कि घर घर में सभी छोटे बड़े रामायण का गुणगान कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे भी रामायण सीखने की रुचि हुई। तो रामायण एक ऐसी प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो हमारे हिंदू इसे पढ़ने के लिए बहुत प्रभावित हैं, क्योंकि इसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन होता है और इसके साथ इसमें नैतिक मार्गदर्शन भी होता है और हम इसको एक पवित्र पाठ के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पर लावेनिया में हमारी बैठका चल रही है बहुत सालों से। खुशी की बात यह है कि बुआ पियोले से हमारे गुरु जी आते हैं, श्री विराज सुमारी जी और सपत्नी, और वे हमको रामायण चौताल आदि बड़ी श्रद्धा से सिखाते हैं। और तो और हमारी बैठका में अन्य गतिविधियां भी होती हैं, जैसे कि हवन, जैसे योगा, ये सब भी होती हैं। और रामायण को हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमारी अब एक मंडली है, रामायण भक्ति लावेनिया भक्ति रामायण मंडली, और इसमें सभी उम्र के बच्चे हैं और नौजवान भी हैं और पुरुष हैं, महिलाएं हैं। ये सब जब हमारी कक्षा शाम को होती है तो जब बच्चे स्कूल से लौटते हैं और बड़े भी काम से लौटते हैं तब हमारी कक्षाएं चलती हैं। शर्मिला जी, आप हमें ये बताइए कि ये जो रामायण का उच्चारण करना आप लोग सीखती हैं, इसको आप लोग कहाँ इसका अभ्यास करती हैं, किन किन मौक़ों पर और किन किन स्थानों पर आप रामायण का उच्चारण करते हैं? रामायण का अभ्यास हम सांस्कृतिक कार्यक्रम में करते हैं, चहुं ओर देश में कर रहे हैं और घर घर में भी कर रहे हैं। जब भी कोई सत्संग होता है या जन्मदिन के अवसर पर कोई भी अवसर होता है, खुशियाँ के अवसर पर हम करते हैं रामायण, और जब मृत्यु भी होती है तब भी हम रामायण करते हैं। आप हमें ये बताइए कि रामचरितमानस और रामायण के किन पात्रों से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहा रामायण को सीखते हुए, रामायण की चौपाइयों का उच्चारण करते हुए, इस पर कुछ कहें। रामायण ग्रंथ के बहुत मूल हैं, इसीलिए हमारा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे और हमारे नौजवान इस रामायण ग्रंथ को आगे ले चलें और चहुं ओर बहुत से लोग इसको जानें और अपने अपने जीवन में इसे उतारें। तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को आदर्श मानती हूँ, क्योंकि
वे एक आज्ञाकारी पुत्र ही नहीं बल्कि एक सहनशील राजा के रूप में माने जाते हैं। उनका प्रेम प्रजा के लिए हमने देखा है और वे भाई के रूप में बहुत ही अच्छे हैं और उन्होंने जैसे अपने भाइयों को संभाला जब वे वनवास में गए, तो ये सब जो मूल हैं हमको सीखना चाहिए, हमें हमारे जीवन में इसको धारण करना चाहिए। और सीता मैया की तो जब मैं बात करूँगी तो उनके लिए शब्द ही नहीं हैं, क्योंकि वे हमेशा सपत्नी के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के साथ हमेशा से थी, चाहे वे जब वनवास गए थे, चाहे वे लंका में थी, तब भी उन्होंने हमेशा श्री राम जी को अपनाया, श्री राम जी को पूजा और श्री राम जी के साथ ही उनका मन लगा रहा। और वे भी एक आज्ञाकारी पुत्री थी। तो इन सब मूलों को मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगी, मैं इन सब से प्रभावित हूँ। बांधवा जी, हमने के ये बतावा कि आपके गांव में रामायण के चौपाई के उच्चारण कैसे शुरू हो, कैसे ये चला था और नवा पीढ़ी के कैसे आप लोग सिखावा था वजह। हमने के बहुत खुशी के बात बा कि हमने के गांव ही में बैठका बाहिचा और हमने के बैठका अभी देखब से 100 साल से अधिक बा जब से बा और हमने हमेशा से हमने के माँ बाप छोटा ही से हमने के तुले तो भेजा तलन सा बैठका हमने के फुहाजे करन सा बैठका जाके तो हौजा हमने बैठका जाके थोड़ा हिंदी सीखी सा हवन थोड़ा रामायण हजा संस्कृत के क्लास बा और म्यूजिक के क्लास बा सब हमने जाके सीखने सा और अभी जस्ती खुशी के बाद के जो नया पीढ़ी लोग बा हमने के लड़का अब वो लोगों के हमने प्रोत्साहित करते सा जाए के तो अभी ढेर लड़का लोग हो जा गल हो सीखत हो रामायण आवल हमने के संगे सीखे अपन माँ लोग के संगे आवल बैठे उ लोगों सीखेलन और सेतु हमने देखब स जब सब कोई आजकल उतना लेता नहीं है, सब कोई काम करेलन सब कोई पुरुष महिला सब कोई काम करेलन लड़का लोग जान लेसो लेवे से म फिर भी रात के समय अपन समय निकाल के आके एगो बैठका में हमने मिलजुल के रामायण करीला सा और हौ रामायण के हौ जो गायन से जितना हौ पॉजिटिविटी होला हमने के हौ सब एक दिन के थकान सब जन बा सब दूर हो जाला और मजा एगो खुशी के माहौल पैदा करेला और हमें तो हमने के सब जितना लोग रहिला सा गाँव में मजा सब कोई खुशी खुशी रहिला सा एगो निमन जैसे एटमोसफेयर हुई हमने के संगे रहेला तो ई रामायण के पॉजिटिविटी देशा हमने के जीवन में बा और जब बात करीला सा तो हमने के लड़का निमन संस्कार निमन संस्कृति वो लोगों सीखेलन सा कैसे प्रभु श्री राम अपन माँ बाप से आदर से बतियातलन सा कैसे अपन जीवन ले जातलन सा तो हमने के हम आपको कहाँ से करब हर एक पाखों हमने के संस्कृति हमने के भाषा हमने के जितना बोला परंपरा बा
संस्कार ओके जीवित रखे करब सा तो बैठका हुए बा पसी ओके बैठका छोड़ब सा तो संस्कृति गल धर्म गल सब चीज गल तो हम कुछ करती सब पहाड़ों लोग के अपन लड़का लोग के है कादुआ देवे के पसी कोई नहीं बा ओके देवे के हम नहीं दे सकता कोई नहीं दे हमने के चाहे तू लेता हूँ के बैठ आज की विरासत में हमने देख लीजा मॉरिशस में रामायण और रामचरितमानस के कितना प्रभाव बा हमने के पूर्वज के समय से ई जोन परिपाटी बा जोन परंपरा बा उ चलले आवता और जोन भी बात पीढ़ी दर पीढ़ी चले आवेला उ विरासत की गिनती में आवेला और मॉरिशस में रामायण और रामचरितमानस के जोन प्रभाव बा ओकर सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हर हिंदू परिवार के अंगना में आप महावीर स्वामी पाइबा और महावीर स्वामी के साथ साथ हर एगो परिवार में कम एक जना के नाम रामायण से निकल के आएबा और साथ में आम जनता से लेके हर देश के विशेष रूप से मॉरिशस के सरकार तक सब कोई चाहेला कि मॉरिशस में राम राज्य स्थापित हुई तो ई कार्यक्रम के अंतर्गत हमने रामायण के मॉरिशन समाज पर प्रभाव के देख लीजा और देख लीजा कौन तरह से नवा पीढ़ी रामायण के चौपाई बहुत सुंदर तरीके से गावे के सीखत हवन जा और गावत हवन जा और एक अभ्यास हर एगो मौका अलग अलग स्थान पर करा जाता आशा करत है जा ये कार्यक्रम आपके पसंद आए अगला विरासत तक हमने पूरा टीम के आज्ञा दा धन्यवाद नमस्ते।